आरती आप देख रहे हैं, ये कितना सुंदर नजारा, मनोरम दृश्य। सौभाग्य से 3 दिन प्रवास रहा मेरा ऋषिकेश, स्वामी दयानंद आश्रम, ये शीशम झाड़ी बड़ा प्रसिद्ध स्थल, और आरती का जो नजारा देखा तो आनंद आ गया। माँ गंगा की कलकल, सब जानते हैं कि ऋषिकेश ऐसा प्लेस है जहां पे अवतरण होता है समतल में माँ गंगा का, और फिर इसके बाद में गंगा चलती हैं आगे। और इससे भी ज्यादा क्या होता है, देखिए जो आस्था लोग लेके आते हैं यहाँ पे, पूजा पाठ ध्यान, और फिर कहीं कोई ऐसा स्थल मिल जाए, एक तो अपने में पावन, दिव्यता अपने में। और जो मैं मंदिर दिखा रहा हूं आपको, सौभाग्य से मुझे विग्रह दिखाई दिया ये। आप देखिए, इस एक विग्रह में द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं आपको, एक एक केवल इसमें विग्रह में। बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा एक दृश्य दिखाई दिया मुझे। मैं तो खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, मैंने इसको वीडियो बनाया इसका। आप देखिए, शिव मंदिर आपने बहुत सारे देखे होंगे, और शिव मंदिर में जो फिर जाते हैं अपनी अपनी आस्था से पूजा पाठ, सब जैसा जिसकी आस्था, जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसा जिसका समय, जैसे जिसकी आदमी की अपनी अपने भावना, तो हर चीज भावना से जुड़ी हुई। आप सब देखते हैं कि इसमें धूप से, दीप से, नैवेद्य से, उसमें पंचोपचार है, उसमें षोडश षोडोपचार पूजा है, तो अब अलग अलग तरीके की पूजा, फिर उसमें धूप से, दीप से, नैवेद्य से, फिर जलार्पण करते हैं, दुग्ध स्नान करवाते हैं शिव जी को, घृत से स्नान करवाते हैं, मधु से स्नान करवाते हैं, तो ये अलग अलग अपना, मैंने बताया ना, जैसे इसका गंगा जल से शुद्ध पानी से स्नान कराते हैं, तो ये फिर अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी मान्यता। शिव का मंदिर है यहाँ, जो आश्रम है ये बड़ा अच्छा मंदिर। इसके देखिए दर्शन करिए आप, सामने दिखाई दे रहा है, और सब सावन के दिन आ रहे हैं, तो शिव भक्तों के लिए तो बहुत ही पूजनीय स्थल बन जाता है आपका, कोई भी शिव का कोई शिवालय होता है। तो मैं प्रेफर करता हूं कि इस पर्टिकुलर नव इसमें आपके, चाहे ये सावन के दिन आ रहे हैं या वैसे कोई पूजा करते हैं, आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, शिव को जल हर इंसान अर्पित करता है, उसमें पंचामृत मिला लेता है, उसमें दूध मिला लेता है, उसमें जैसे जिसकी श्रद्धा, केवल 2 3 4 दाने नाग केसर के मिला लिया कीजिए, मात्र इतना, बाकी फिर जैसे जिसकी श्रद्धा, जिसका जितना समय, आप देखेंगे कि आपकी पूजा में कितना आनंद आने लगा। और एक बहुत ही यूनिक चीज बना रहा हूं, शिवालय होता है, शिव मंदिर होते हैं, वहां पे नंदी भगवान के जरूर दर्शन होते हैं। आप देखिए, नंदी भगवान दिखाई दे रहे हैं, सब लोग इग्नोर करते हैं, चले जाते हैं छोड़ के, मगर मैं एक इतनी इतनी अच्छी चीज आपको बता रहा हूं, आप कभी भी मंदिर जाएं, शिवालय जाएं, कभी शिव मंदिर कोई भी आपका छोटा हो बड़ा हो, जो भी आपको सुविधाजनक उपलब्ध हो जाए, जहां आपको नंदी भगवान के दर्शन दिखाई दे कभी, तो कभी भी उनको इग्नोर नहीं कीजिए, उनसे हटिए नहीं कभी। जैसे जनरली क्या होता है, लोग बाग छोड़ के निकल जाते हैं, अगर सौभाग्य से कभी नंदी भगवान के दर्शन आपको दिखाई दें, क्या करना है देखिए। मैं मानता हूं कि नंदी भगवान के कान में अगर कोई शब्द बोले जाते हैं, सीधे वो शिव भगवान तक पहुंचते हैं, ये पक्की बात है। अगर कहीं आपके दर्शन होते हैं, आप जैसे जो भी पूजा करते हैं, आप जैसे आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, नंदी भगवान की भी पूजा करें, उनको धूप दीप आरती, जो आस्था जैसी श्रद्धा, यथाभाव यथा श्रद्धा, उनके बाएं कान की तरफ चले जाइए आप, और बाएं कान में फुसफुसाइए, गुनगुना के अपनी बात कहिए, अपनी मुराद कहिए, अपनी इच्छा कीजिए, अपनी विश उनसे कहिए, रो के दीन होके, जितनी जितनी अपने अंतः मन से आपकी आवाज निकलेगी, जितना आर्तनाद करेंगे आप अंतः मन से, उतनी जल्दी आपकी पहुंच शिव तक पहुंचेगी, नंदी देव जी के कान के माध्यम से, क्योंकि सीधा लिंक है इनका शिव जी से। आप एक बार करके देखिए, इतना अच्छा लगेगा आपको, याद करेंगे आप लोग। देखते रहे दोस्तों, आप लोग गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए उन लोगों को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।